हेलो एवरीवन सो यू ऑल वंस अगेन दिस इज बीर शाह फ्रॉम ट्रिपल एम और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इन दिस वंडरफुल चैनल ऑफ ट्रिपल एम जहाँ पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हो और यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स बहुत सारी जगह पे लोग अटक जाते हैं स्टक हो जाते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा डॉक्यूमेंटेशन शिपिंग लॉजिस्टिक्स बायर्स मार्केट प्रोडक्ट बहुत सारी क्वेरीज को जब आप फेस ऑफ करते हो तो उनके सोल्यूशन देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किया है जहां पर हम लोग हैश टैग आस्ट के अंदर आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करना चाहते हैं आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं सो दैट्स वाई वी आर हियर ऑन दिस वंडरफुल प्रोग्राम हैशैग आस्ट्रम के अंदर एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं एक और नया क्वेश्चन लेकर फ्रॉम पृथ्वी तेजा पृथ्वी तेजा ने पूछा है कि अगर मैं मैन्युफैक्चर गुड्स को एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर उसको एक्सपोर्ट करता हूं तो क्या बायर इंटरेस्टेड रहेगा मुझसे बाय करने में एज अ बिकॉज आई एम आई एम नॉट अ मैन्युफेक्चर बट आई एम अ ट्रेडर सो मैं खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता हूं मैं उसको किसी मैन्युफेक्चर से प्रोक्योर करता हूं और फिर मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूं सो इन दैट कंडीशन क्या वो मुझसे बाय करने के लिए प्रिफर करेगा कि नहीं करेगा सो so, पृथ्वी जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाएगा बिकॉज अगर हम लोग इंडिया की बात करें वी डू हैव दैट काइंड ऑफ बेस जहां पर हमारे पास बहुत सारे मैन्युफेक्चर हैं एंड दे आर हैविंग अमेजिंग ऑफ द पोटेंशियल उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी है जो हमारा प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए बट दे डोंट हैव द आइडिया एंड वट वी हैव ऑब्जर्व समाइम्स और नंबर ऑफ टाइम्स की उनसे परचेज कर कर लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दे आर एक्सपोर्टिंग मर्चेंट एक्सपोर्टर लेके जाते हैं पिछले 40 साल 25 साल 10 साल से लेकर जा रहे हैं बट उनका प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ना ही तो आइडिया आ रहा है ना ही वो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट करना है तो वो वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है तो बहुत बार हम लोग ये कहते हैं कि इवन यू नो नाइन आउट ऑफ टेन मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिया वुड लाइक टू एक्सपोर्ट बट एट नो हाउ टू डू दैट तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है और अगर मैं बायर मेंटालिटी की बात करूं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट की वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं बट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू बाय फ्रॉम दी मर्चेंट एक्सपोर्टर और वी कैन से 50 टू 60 द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन द मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड द मर्चेंट इंपोर्टर बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर का काम ये रहता है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो वो उसको कैसे डेवलप करूं आज मेरे पास एक साइड है तो दो, दो कैसे करूं या आज मेरे पास 50 मशीन है तो उसको 100 में कैसे कन्वर्ट करूं सो ही वुड लाइक टू इंक्रीज ज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नॉट दी डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट बट ऑब्वियसली इट इज द मैटर जहां पर उन लोगों को फोकस करना चाहिए बट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्री हो जाती है एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ द सप्लायर मिल जाता है आपको कि कहीं ना कहीं किसी की मैन्युफैक्चरिंग uh, कैपेसिटी का फायदा मिल जाता है किसी की रो uh, मटीरियल बहुत सस्ते में अक्वायर uh, हो रही है तो उसका फायदा आपको मिल सकता है किसी की क्वालिटी किसी की क्वान्टिटी और किसी की प्राइस राइट सो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू लेट मी जस्ट शेयर यू वेरी गुड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग uh, जो प्रोग्राम करते उसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट था एंड ही वॉज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द बायर एंड

Have that you can deal in a different industry as well, and uh, you can deal with the different manufacturers as well. तो बहुत बड़ा एक बेस आपका बन सकता है राइट right? तो पृथ्वी जी डोंट वरी अबाउट के ऊपर मैन्यूफेक्स के साथ डील करना शुरू यू वेरी बेस्ट ऑफ लक पृथ्वी जी एंड होपुल यू हैव गॉट द आंसर फॉर योर क्वेरी और भी अगर कुछ क्वेरीज है और भी अगर कुछ डाउट्स है और मेरे बाकी सारे व्यूअर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिकॉज वी हैव मेड लॉट ऑफ वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स तो तो प्लीज वो सारे हेस्टास्ट प्लान की वीडियोस को एक बार फिर से आप गो थ्रू कर लीजिए बहुत सारी क्वेरीज के डाउट्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे, आपको वहां वहां पे पे आंसर्स मिल जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और भी कोई क्वेरी है सो जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स हैप्पी टू आंसर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड अगर और भी कोई क्वेरी है सो जस्ट यू कैन पुट पुटअप इंट द कमेंट्स एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर आइए हम सब लोग मिलते हैं कंट्री uh, का हमारे देश का भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में हम लोग वापस लाते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लाख थैंक यू